स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। अपने रेस्टोरों में जो कुछ भी कहा मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। कौन है ये औरत और चीजू इसके साथ इतनी रात गए क्या कर रहे? क्यों हुआ मानवी? इस समय 1:30 बज रहे हैं लेकिन तुम्हारे शक्ल में 12 के बजे हुए। कहीं तुम्हें नाइट वॉक करने की आदत तो नहीं है? सॉरी, स्लीप वॉक। तुम्हारी रोमांटिक मूवी में होता है, थ्रिलर मूवीज में ही होता। स्वाद से रोमांटिक मूवी को ना बोलो और थ्रिलर मूवीज को हाँ बोलो। ओके, संभव इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? हेलो वीरेन, वीरेन सो सॉरी इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ। वो क्या है कि रिया ने आज जो कुछ भी किया ना उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। कहती है कि तुझसे अभी इसी वक्त माफी मांगना चाहती है। अरे संभव, इस वक्त देख इतनी रात को तेरे घर पर गाड़ी चला के थोड़ी आऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह जाता हूँ, ठीक है? अरे एक काम कर, मैं तेरे घर के गेट के बाहर ही खड़ा हूँ, तो हो सके तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर आ जा। घर के बाहर? ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है। जीविका को इस वक्त जगाना नहीं चाहिए। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही कि तुम दोनों इतनी रात को यहां। मिस्टर वीरेन, आई एम रियली वेरी सॉरी। रेस्टोरेंट में मैंने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया उसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी। एक्सक्यूज मी, यूएस से मेरे बॉस का फ़ोन है, आई हैव टू अटेंड दिस कॉल। One second, very sorry कि हमने आपको इतनी रात को जगाया है, लेकिन आपसे बिना माफी मांगे मुझे चैन भी नहीं मिलता। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपसे इस तरह से आप जैसे भले इंसान के साथ इस तरह से बिहेव किया। वेरी सॉरी। अरे नहीं रिया, कैसी बात कर रही हैं आप? अपने रेस्टोरों में जो कुछ भी कहा मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। कौन है ये औरत और चीजू इसके साथ इतनी रात गए क्या कर रहे? लेकिन फिर भी आई एम फीलिंग टू गिल्टी अबाउट इट, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज देखिए, आपने ऐसा कुछ किया नहीं जिसके लिए आपको इतनी बार सॉरी बोलने की जरूरत है। नहीं नहीं मिस्टर वीरेन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी तरह आपने भी अपना बच्चा खोया है, और आप इतने बड़े सदमे से कैसे उभर पाए? करना पड़ता रिया, दिल को मजबूत करना पड़ता है, दिल पर पत्थर रखकर जीना पड़ता है, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। एक बार सोचो कि आज तुम्हें इस हालत में देखकर संभव पर क्या बीत रही होगी। अपने आप को कितना अकेला महसूस करता होगा, अपने लिए नहीं संभव के लिए। तुम्हें अतीत को बुलाकर आगे बढ़ना होगा। सही कह रहे आप मिस्टर वीरेन, लेकिन संभव ना कभी मुझे आज तक समझ पाया है ना कभी मेरे फीलिंग्स को। उसके लिए तो बस उसका काम, पैसा, करियर, ये सब इम्पोर्टेंट है। मेरे जज्बात, मेरे फीलिंग्स, उसकी तो उसे कोई कदर ही नहीं है। अरे नहीं रिया, संभव तुम्हारे लिए बहुत केयर करता है, वरना सोचो ना, वो अपना जॉब क्विट करके तुम्हारे साथ वक्त बिता रहा है।
लेकिन अगर ऐसा होता ना तो मुझे एक बीमार एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करता। उसकी नजर में तो मैं सिर्फ एक पागल हूँ, एक मेंटल पेशेंट हूँ। नहीं देखिए रिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं संभव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सॉरी वीरेन, यूएस से मेरे बॉस का फोन था, इसलिए अटेंड करना जरूरी था। इतनी रात को तकलीफ देने के लिए आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं यार, तू कैसी बात कर, दोस्त होते किस लिए? अपना ख्याल रखियो। गुड नाइट। गुड नाइट। चल। मैं 1:30 बज रहे हैं, लेकिन तुम्हारे शक में 12 के बजे हुए। नहीं तो मैं नाइट वॉक करने की आदत तो नहीं है, सॉरी स्लीप वॉक। लगता है तुम अपने जीरो साइज को -0 करने जा रही हो, राइट? विराट, मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन में हो? एक काम करते हैं, अभी चल के सोते हैं। सुबह तक तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, और अगर टेंशन खत्म नहीं हुई ना, सुबह इस बात में बात करेंगे, ओके? वैसे मैं जानता हूँ तुम फालतू में परेशान होती रहती हो। विराट, तुम समझ नहीं रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। मानी क्या हुआ बताओ तो सही। क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हें पता है कल जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी ना, तो मैंने एक रेस्टोरेंट में जीजू को एक लड़की के साथ देखा। अब इतनी रात को जीजू बाहर किसी लड़की से मिलने गए थे, तुम्हें यकीन नहीं हुआ ना? नहीं, मुझे यकीन हो रहा है कि तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो, तुम्हें पागल खाने जाना चाहिए, राइट? विराट तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मम्मी, अगर तुमने अपनी आंखों से देखा ना, तो डॉक्टर के पास जाओ और अपनी आंखों का चेकअप करवाओ। ये फालतू की बातें भाई के बारे में मत बोलो, ठीक है? विराट तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मुझे लग रहा है कुछ मेजर झोल है। तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो, सो जाओ। टेंशन है वीरेन जी, तुम अब तक जाग रही हो? और नहीं तो क्या? अगर इतने प्यार से आप किसी को किस करोगे तो कोई मुर्दा भी जाग जाए, मैं तो आपकी जीती जागती बीवी हूँ। अब बोलिए। I'm so sorry, मेरी इंटेंशन ही थी तुम्हें जगाने के। वीरेन जी, मेरे बारे में छोड़िए, आप बोलिए क्या हुआ। जरूर कोई बात है, वरना अब तक तो आप खराटे मार रहे होते। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो ना, अगर चाहो भी तो तुमसे कोई बात नहीं छुपा सकता। रिया और संभव यहां आए थे इस वक्त, तुम यहां पर आए थे
तुम जानते हो जीविका, जिस दौर से आज रिया गुजर रही है उसी दौर से तुम गुजरी थी। देखिए तुमने अपना को इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखा, जब रिया को देखता हूं तो यही सोचता हूं कि आज अगर तुम्हारी भी ये हालत होती तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। तो भगवान का शुक्र है कि हमें उस नर्स से निकाल लिया। और वाकई वाकई मेरे भगवान से यही विनती है कि वो रिया और संभव की भी मदद करें। मैं भी यही चाहती हूँ वीरेन जी। और अगर आपको उनसे बार बार मिलना पड़े, उनसे बार बार बातें करनी पड़े, या आपसे बात करके रिया को सुकून मिलता है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं। बस भगवान जी कैसे भी करके उनकी तकलीफ दूर कर दे। Honestly, मैं भी तुम्हें इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। बस यही सोच रहा था कि रिया और संभव इतनी रात को आए हैं, अब तुम्हें क्या उठाऊं? कोई बात नहीं वीरेन जी, आप हेल्प करें हमें, बात तो एक ही है ना। और किसी भी इंसान को तकलीफ में मदद करना सबसे बड़ा काम होता है, और इस नेक काम में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। अरे विराट, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वो भी नाश्ता किए बिना। चलो नाश्ता कर लो। भाभी वो क्या है, एक्चुअली मेरी मिस्टर सांगवी के साथ म्यूजिक की सेटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी, लेकिन रास्ते में कुछ खा लेना। हाँ जी। और मानवी का है? सुबह से उसकी आवाज नहीं सुनी, कहाँ है वो? अपने रूम में होगी, मैं चलता हूँ। ये विराट का मूड इतना उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? जरूर मानवी के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।